फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। एंड मैं और पापा मतलब साथ में दिवाली वाले दिन मिठाई लेने गए थे। ऑब्वियसली मिठाई तो ज़रूरी है, तो फिर मैंने इधर से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरा पूरा व्लॉग देखें, क्योंकि मैंने दिवाली के ठीक बाद ही हम लोग वहाँ गए थे बरसाने, तो मैंने वो भी शेयर किया है आपसे। सो प्लीज़ वॉच माई व्लॉग टिल एंड। और फिर यार मुझे समझ में ना, दिवाली वाले दिन ही क्यों इतना जाम होता है, लोग कार ले आते हैं मार्केट में लिटरली। तो मैं और पापा मतलब बस पूजा का सामान लेके घर जा रहे थे, इतनी भीड़ थी भाई रे भाई, क्या बताऊँ। मैंने सबको शेयर किया है, मैंने रंगोलियाँ बनाई हैं। मैं वैसे दिवाली पे कहीं गई नहीं थी, बट जितना हो पाया मैंने आपसे उतना शेयर किया। लिटरली मैं दिवाली पर कहीं नहीं गई थी, घर की दहरी मैंने क्रॉस नहीं की थी। कितनी देर में बन पाएगी हमारे? ओके बंद कर दूँ यार, मतलब मेरी वाइट कलर खत्म हो गया है। बल्कि मैं 2-4 पैकेट लेके आई थी, बट मतलब छोटे छोटे थे, 2 पैकेट लेके आई थी, मुझे लगा हो जाएगा बट हुआ ही नहीं। मेरी रंगोली आधी है, खैर एक तो ये बनी है। मेरा हाथ इतना साफ नहीं है, कोई बात नहीं। ये मैंने ही बनाई है, मुझे बहुत प्रिटी लग रही है, लाइक चकई जैसी लग रही है। एक ये बनाई है मैंने, मेरा हाथ इतना साफ नहीं है, कोई बात नहीं है। एक मैंने बनाई है ये। और हमारे घर पे दिवाली, हमारे घर पे नहीं हर जगह दिवाली आज। और यहाँ पे देखो मम्मा ने दिए रख दिए हर जगह। मम्मा हैप्पी दिवाली। मम्मा को फोटो खींचने से फुर्सत नहीं है। मेरे काम में नहीं पता, न्यू ड्रेस पहनी है। मैं अपने गोपाल जी दिखाती हूँ ना, मेरे गोपाल जी ने भी न्यू ड्रेस पहनी ली। इतनी प्यारी लग रही हो, हैप्पी दिवाली कानू जी। मम्मी कितनी प्यारी लग रही है ड्रेस, है ना। सो दिवाली की नाइट पर ही पता है हम लोग मंदिर में गई थी, कॉलोनी का ही मंदिर है, क्योंकि मम्मा दिया रखने गई थी। और जब तक हम गए तब तक बहुत सारे लोग दिया रख चुके थे, मम्मा और मैं लेट हुए थे। दिवाली वाला दिन पता बहुत अच्छा लग रहा था, लिटरली द बेस्ट वाइब एवर। तो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, इतने सारे दिए। मम्मा के सब बस मंदिर गई थी, वो भी बिना तैयार हुए, क्योंकि मेरी रंगोली काफ़ी लेट हो गई थी सच्ची। उसके बाद जब घर आई थी, पापा भी आए थे, मतलब ऑफिस का पूजन वगैरह करके फिर हमने घर पे पूजन किया था। घर पे पूजा की थी जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी नहीं आराम से ही की थी। हम लोग घर पे पूजा अपने आप ही करते हैं, मतलब। हाँ यार, मैंने लहंगा पहन रखा था, मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी बाद में, आप लोग वो देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो आरती कर रही हूँ ना, आप उसमें देखो कि मैंने पिंक कलर का लहंगा वेयर किया हुआ था। मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती, मतलब क्योंकि पूजा वगैरह ज़्यादा शेयर नहीं करनी चाहिए ब्लॉग पर, तो मैंने थोड़ा सा ही दिखाया है जस्ट बिकॉज ऑफ माय लुक। एंड इसी बहाने आप कानू जी को भी देखो, क्योंकि वैसे मैं उनको ऐड नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हमने पूजा कर दी थी, बहुत अच्छा दिन था दिवाली का, लिटरली मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट मैंने रंगोली अब दिए लगा दी थी, तब तो मैंने जैसी बना ली थी ना, मैंने वो शेयर की थी। तो मैंने अभी तक कैंडल्स वगैरह लगा दी थी, खैर इसका थोड़ा मैंने रंगोली ट्राई की थी बन जाए अच्छी, लेकिन सबसे प्रिटी मुझे ये लग रही, सच में मुझे बहुत प्रिटी लगी थी ये रंगोली, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये कॉलोनी मस्त पटाखे चल रहे थे, तो मैं वही दिखा रही हूँ आप सभी को। ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मैं कहीं पर भी नहीं गई थी दिवाली पर तैयार होकर। जब मैं मंदिर गई तभी मैं लोअर टी शर्ट में ही गई थी। जब मैंने लहंगा पहना था, क्योंकि मैंने 3-4 घंटे वो रंगोली बनाई, टाइम लगा था रंगोली बनाने बहुत ज़्यादा, तो मेरी पीठ दर्द करने लगी थी और मुझे टाइफाइड वैसे भी है, तो मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं कहीं पर भी नहीं गई थी, मैंने कुछ भी शेयर नहीं कर पाया। वरना मैं बुआ जी के घर पर जाने वाली थी, वहाँ पर एक पार्टी प्लान था, हम लोग वही करते, लेकिन कहीं पर भी नहीं गई मैं। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग बरसाने गए थे, हेयर आई एम गोइंग टू बरसाना विद माई चाचू एंड माई चाची। हम लोग दिवाली के ठीक नेक्स्ट डे ही गए थे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, मैं बहुत पॉजिटिव वाइब थी मेरे अंदर की वाह आई एम गोइंग बरसाना, क्योंकि मेरा बहुत मन था। और ऐसा था कि मैंने 2 दिन पहले ही मतलब बोला था राधा रानी से, और मतलब इतने बुलावा भी आ गया। ये मेरे लिए बहुत बेस्ट मोमेंट था। और
मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने सब कुछ पार्ट टू में आएगा, इसमें तो खाली बरसाने की जो राधा रानी का मंदिर है वो है, और जो पार्ट सेकंड में आएगा कीर्ति मंदिर। ओके फ्रेंड्स, तो आप वो भी देखना। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं, 5 लोग गए थे, मतलब मैं, चाचू, चाची, बुआ जी, अभी यारू और ड्राइवर, मतलब इतने लोग गए थे, ठीक है ना। बहुत मज़े आए थे, चलो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी थोड़ी चढ़ाई है तो हम लोग पहले वो करते हैं। दुकानें थी काफ़ी सारी और मार्केट काफ़ी अच्छा था देखा जाए तो। मतलब यहाँ पे मुझे ड्रेसेस काफ़ी प्यारी लगी थी, मतलब लहंगा टाइप थी, जो लिटरली जो ड्रेस थी वही थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मन में तो था कि अब अगली बार आऊँगी तो यही ड्रेस वेयर करके आऊँगी। तो हमने सीढ़ियाँ होती हैं ना स्टार्टिंग में, तो पहले वही चढ़ रहे थे। मेन पॉइंट यहाँ पर पता है, सब लोग बुलाने का तरीका बहुत अच्छा था कि मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे, मैं वृंदावन तो हुआ ही बट बरसाने नहीं गई हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम था। तो यहाँ पे पता है बुलाने का तरीका ऐसा था, अरे राधे सुनो राधे, लाइक इतना पोलाइट वे था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रसाद ले रहे थे और मेन चीज़ यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई थी, तो मैं बहुत जल्दी भाग के गई थी, मैं, आंटी और बुआ जी, चाचू प्रसाद लेके आ रहे थे, हमने आरती भी अटेंड कर ली थी। एंड हियर इज द व्यू, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरा जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था यहाँ पे। और पर्दा खैर खुला हुआ था, मतलब बहुत ही अच्छी मुझे वाइब आ रही थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ सच में, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे, जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा तो। दर्शन कर लूँ, मैंने तो बहुत आराम से दर्शन कर लिए थे और मैंने तो विशेज़ भी मांग ली थी। आप लोग भी दर्शन कर लो, विश मांग लो। और यहाँ पे बुआ जी, अभी आ रू, हम लोग इधर थे और चाचू और चाची आगे प्रसाद देने के लिए गए थे। तो आप लोग भी पता है दर्शन कर लो आराम से, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। रियलिटी में तो बिल्कुल जाने का मन नहीं था, बिल्कुल मेरी सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत सुकून मिल रहा था सच में, बहुत ज़्यादा। मुझे आरती प्राप्त होगी, पहली बार में इतने अच्छे दर्शन हो गए, उसको मुझे क्या चाहिए। तो बहुत दिवाली वाला दिन फिर हम जा रहे थे, और जिस रास्ते से आए थे उसके नेक्स्ट वाले रास्ते से हम लोग गए थे, उस रास्ते से नहीं गए थे। मुझे पता है यहाँ पे एकदम ये फीलिंग आ रही थी कि हम लोग वैष्णो देवी चढ़ाई कर रहे हैं, बस सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, बाकी फीलिंग एकदम वैसी ही थी। मैं बहुत दिन में आफ्टर कोविड से नहीं गई हूँ, बाकी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ वैष्णो देवी सच में, मैं 4-5 बार से ज़्यादा जा चुकी हूँ वैष्णो देवी। और यहाँ पे लस्सी वगैरह पी थी। ये तो पार्ट फर्स्ट है हमारे वृंदावन बरसाने ब्लॉग का, पार्ट टू भी आएगा। और यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की थी, मैंने अपने कानू जी के लिए पोशाक ली थी, चाची ने भी पोशाक ली थी और बुआ जी ने पोशाक ली थी, और मैंने अपने लिए एक शॉल ली थी अच्छी सी, मुझे काफ़ी ब्रिटी लगी। चलो फ्रेंड्स, इसके साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड देन वेट फॉर पार्ट टू।
उसमें आएगा कीर्ति मंदिर। बस चलो मिलती हैं फिर, बाय 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 बाय, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।